तो भाई आज मैं आपको जो फोन दिखाने वाला हूँ ना भाई साहब, वो फोन पहली बात तो इंडिया में मिलता नहीं है। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसे बाहर से इंपोर्ट करा है। और दूसरी चीज, ये फोन सबसे बेस्ट गेमिंग फोन मिल जाएगा आपको टिल नाउ, क्योंकि इस पर कॉन्स्टेंट आपको मस्त 90 FPS की गेमिंग करने मिल जाएगी, और वो भी भाई एंड्रॉइड फोन में। इतना तो iPhone 14 Pro Max भी नहीं देता, क्योंकि वहां पर हमको 80 FPS की गेमिंग करने मिलती है। बाकी इस फोन के पीछे मस्त एक गेमिंग पंखा लगा हुआ है और एक मस्त डिजाइन, साथ में एयर ट्रिगर और गेमिंग मसाला फुल भर के निकल कर आता है, और साथ में 960 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग। तो भाई मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये एकदम लाल जादू के बारे में। तो भाई मेरे हाथ में है लाल जादू 8S प्रो। स्पेशली हमारी जो सीरीज है, ऐसे खतरनाक वाले डिवाइस जो इंडिया में नहीं मिलते, बाहर से मंगा के आप लोगों को यहाँ पर शोकेस करता हूँ कि भाई क्या क्या माल मसाला आता है वो पता चल जाएगा आपको। तो अगर इसकी अनबॉक्सिंग को लेकर बात करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना डिवाइस और बाकी सारी चीजें मिल जाती है। ट्रांसपेरेंट केस कवर है, 80 वॉट का चार्जर है, और सब कुछ अंदर पहले से आता है। तो भाई ये है वो फोन रेड मैजिक 8S प्रो, और जैसे मैंने कहा ना, इसके पीछे मस्त एक गेमिंग पंखा लगकर आता है, और जो भाई एकदम फोन को मस्त ठंडा रखने में काम करता है। और ये है इसके एयर ट्रिगर, जो भाई एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, और प्रॉपर जो गेमिंग लुक रहता है ना, वो यहाँ पर पूरा इसमें निकाल के देता है भाई ये रेड मैजिक 8S प्रो। तो वैसे देखो ये फोन है ना, बाहर 60,000 का मिल जाता है, बट इंपोर्ट करा के मुझे 70,000 का पड़ गया। तो इसमें सबसे पहले एक मस्त चीज दिखाता हूँ, और ये देखो एनिमेशन भाई, फुल गेमिंग वाइब पूरी निकाल के देता है। फिर से ट्राई करोगे, ये देखो लग रहा है ना एकदम कूल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर है ना हमको कोई कैमरा भी देखने नहीं मिलता, और ना ही इसके अंदर पॉपअप कैमरा आता है, इसके अंदर हमको मिलता है अंडर डिस्प्ले कैमरा। बाकी इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एकदम मस्त सुपर्ब आता है, ग्लास बैक है, और इस पर ना थोड़े से रेडियल टाइप के टेक्सचर है, तो थोड़े से ना अलग ऐसा इफेक्ट बना के देता है, और सेंटर से ना पॉपअप टाइप के कैमरा निकल कर आते हैं, और कुछ यहाँ पर चीजें भी इंटीग्रेट करी है, और ये इसका RGB फैन हो गया, साइड में पूरा मेटल फ्रेम आता है, और ये जो पूरा फोन है ना प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन मिलता है, मतलब इसकी इन हैंड फीलिंग ही कुछ अलग ही लेवल है। तो जैसे इसका ये जो रेड बटन है इसको स्लाइड करेंगे ना, तो ओहो इसका गेम मोड एक्टिवेट हो चुका है, और बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। तो भाई ज्यादा बता के वैसे मतलब नहीं है, मतलब बहुत कुछ है। बाकी नॉर्मल अपने बटन्स है, यहाँ पर ये एयर ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं, तो कुछ टच करके जो गेमिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो, प्रॉपर एयर ट्रिगर्स यहाँ पर काम करेंगे। तो इसमें जो ये वाली बेल्ट है ना, यहाँ से हवा अंदर लेगा, और यहाँ से पूरा पास थ्रू करके ये RGB फैन से पूरा यहाँ से ये बाहर थ्रो करेगा, तो यहाँ पर ये आउट होता है। तो बाकी ये जो USB है ना Type-C 3.2 मिल रहा है, जिसपे डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट है, और इस पर है ना मस्त में अपना 3.5 mm का गड्ढा भी मिल रहा है। और इस फोन की इन हैंड फीलिंग अगर बताओ ना, तो ये इतना बल्कि भी फील नहीं होता, मतलब है वैसे 228 ग्राम के आसपास का, बट हाथों में मुझे ना एकदम प्रॉपर लग रहा है वैसे ये। और देखो इस तरीके का खतरनाक फोन अनबॉक्सिंग वगैरह ना आपका भाई आपके लिए लाते रहता है, और आपको भी पता है मस्त एकदम इस प्लेनेट का बेस्ट टेक चैनल आपका टेकी पाठशाला है, तो आपके लिए ये चीजें मैं करते रहूंगा, बस आपका सपोर्ट मांगता है। क्या करना है, बस मस्त वीडियो लाइक दबा देना है, और जल्दी से भाई को 1 मिलियन पहुंचाओ यार, कितना टाइम लग गया है, करो यार थोड़ा सा प्लीज। और ये फोन के अंदर पावर के लिए मिलता है बहुत ही तगड़ा Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर, और ये एंड्रॉइड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है टिल नाउ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16 लाख प्लस का एंड्रॉइड स्कोर निकाल के दिया भाई इसने, 16 लाख, बहुत ही अच्छे स्कोर निकल कर आया। CPU थ्रॉटल पर जो मैक्स जिप स्कोर है ना, वो भी बहुत अच्छे निकाल के देता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें कोई भी थ्रॉटलिंग, कोई भी ऐसा पावर डिप का कुछ भी इशू नहीं है, थर्मल्स इस फोन की काफी अच्छी है, और दूसरा यहाँ पर ये जो फैन है ना, वो भी अच्छा खासा हेल्प कर रहा है इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। और एक चीज है कि इसमें जो हमको रैम टाइप भी मिल रहा है वो भी फास्टर है, और जो स्टोरेज है ना वो भी फास्टर है, और इसमें जो बैटरी है ना वो 6000 mAh की बैटरी है, और 80 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है। 35 मिनट 40 मिनट के अंदर फोन पूरा 100% आराम से चार्ज हो जाता है। अब ये फोन मैं कहूंगा अभी तक का मैंने जो भी फोन यूज करे ना, सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप इसी भाई ने निकाल के दिया है। मतलब अगर इस फोन में आप 100% फोन को चार्ज कर दो, और स्टार्ट से लेकर एंड तक 0% तक गेमिंग करोगे ना, और ऊपर से मैंने 90 FPS टेस्ट किया था, और ये फोन आराम से स्टैंड कर जाता है 9 घंटे के ऊपर कंटिन्यूअस गेमिंग करवा देता है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी लिटरली यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी है। और वही गेमिंग की बात कर ही रहा हूं, तो जैसे मैंने बता दिया है 90 FPS मिलता है BGMI पर स्मूथ का, और वो बहुत ज्यादा मस्त निकाल के देता है गेमिंग। मतलब आप FPS देखोगे ना, TDM छोड़ो, अगर रश में भी कूद जाते हो ना, तो माइनर डिप तो कभी-कभार हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट समझ लो 95% टाइम ये 90 FPS अच्छे से निकाल के देता है, और आप
एनिमीज को अच्छे से किल कर सकते हो। बस एक चीज मेरा है कि जो 90 FPS की गेमिंग है ना, मैं आपका भी थॉट जानना चाहूंगा कि जो 90 FPS की गेमिंग मिलती है करने अगर आपके पास डिवाइस में अवेलेबल है, तो क्या सच में आप 90 FPS की गेमिंग करते हो? क्योंकि ना वो लिटरली ना आंखों में कुछ ज्यादा ही स्मूथ हो जाती है और कभी कभी ना मतलब ना उतना फ्लो नहीं बना पाता। बट इस फोन पे जो 90 मिला था ना, मैंने इस पर गेमिंग करी और बहुत धासू परफॉर्मेंस निकल कर आई, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इसका जो गेम मोड आता है उसके अंदर हम लोग ने जो डिबेलो मोड होता है राइज मोड के एक और ऊपर जाता है वो ऑन करके फिर हम लोग 90 करा है और वहां पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ दी बेस्ट गेमिंग फोन मिल रहा है टिल नाउ जो एंड्रॉइड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, मतलब 90 FPS में खास करके। और 60 की तो बात नहीं करूंगा, तो वहां पर लिटरली एकदम स्टेबल FPS आते हैं। सो फोन तो वैसे रेड मैजिक वालों ने यहाँ पर लाल जादू फोन वैसे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं रखा हुआ है, बाहर से इम्पोर्ट किया है। होप सो रेड मैजिक कुछ करे और वापस इंडिया में आए, और इंडिया में जब आए तो अपनी प्रॉपर प्राइसिंग लेकर आए, क्योंकि पहले जब आए थे ना उनकी प्राइसिंग में थोड़ा उतना दम नहीं था, इसलिए मार्केट से थोड़ा जल्दी आउट हो गए। मतलब हम लोग आईफोन तक को भी छोड़ने के लिए रेडी हो सकते हैं इस फोन के लिए, क्योंकि डिस्प्ले आउटपुट भी देता है और FPS को स्टेबल रखने में वहां पर भी स्टॉर्टेड है। इवन जो ROG वगैरह आते हैं ना इतने महंगे महंगे, जो आज के टाइम पे मतलब बाय करने से भी 4 बार पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्लस हीटिंग बहुत ज्यादा है। बट इस फोन के अंदर वो मुझे अभी तक महसूस नहीं हुआ है। और जो इसका पंखा है ना, मतलब वो इतना अच्छा है कि वो 20,000 RPM पे मतलब पूरा घूमता रहता है, तो कूलिंग वगैरह भी वहां पर उन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन रखी है। वैसे ये फोन 5G कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर तरीके से रहता है, वैसे इंडिया में तो है नहीं, और वाईफाई 7 मिल जाता है इसके अंदर, और ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है। और इसके अंदर कोई IP रेटिंग के बारे में बात नहीं किया था, सिक्योरिटी के लिए बेसिकली जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, और उसकी पोजीशनिंग भी एकदम सही जगह दे रखी है, मतलब एकदम प्रॉपर जगह पर सही टाइम पे अनलॉक भी कर देता है। बाकी ये जो डिस्प्ले भी है ना, ये भी मस्त 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, AMOLED डिस्प्ले है और एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। जो 960 का टच रिस्पॉन्स इस पर मिलता है, जो एकदम एक्यूरेट तरीके से काम करता है। और इसकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है ना भाई, वो भी 1300 के साथ में आती है, तो इंडोर में भी सही है और आउटडोर में भी एकदम प्रॉपर तरीके से काम करता है। PWD डिमिंग भी है, और इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस में एक तो ये चीज मस्त कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉच नहीं है, कोई ड्रॉप नॉच नहीं है, कुछ भी नहीं है, पंच होल भी नहीं है, यहाँ पर हमें अंडर डिस्प्ले मिलता है। और वैसे अगर आप इस पे कंटेंट चलाते हो, देखो मैंने फुल कर दिया, तो ऐसा जरा भी फील नहीं होता इसका डिस्प्ले कहीं से, मतलब जो पंच होल कैमरा विजिबल है या उसके पिक्सल्स दिख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है इशू, एकदम प्रॉपर तरीके से रिस्पांस निकालता है। और आप है ना यूट्यूब पर आराम से 4K का HDR कंटेंट चला सकते हो बिना किसी लैग के, और अगर आप इस पे नेटफ्लिक्स चलाते हो तो आपको HDR का सपोर्ट फिलहाल नहीं मिलेगा। और अगर इसका स्पीकर आउटपुट जानना है ना भाई, तो मस्त है, एकदम पावरफुल बॉम्बर स्पीकर आता है, मतलब डुअल स्टीरियो स्पीकर है और एकदम वोकल्स वगैरह सब एकदम प्रॉपर है। और अगर रही बात कंटेंट HDR कंटेंट को देखने में, तो कलर्स वगैरह एकदम नेचुरल साइड में है, एकदम प्रॉपर निकल कर आते हैं, आराम से कंटेंट विजिबिलिटी है, कोई साइड में भी ऐसा नहीं है कि डिप आ जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से। हालांकि एक चीज इश्यू लगा मुझे, जो इसका HDR है ना थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, मतलब कलर थोड़े से ना एक्यूरेट नहीं देता, मतलब हल्के से अगर देखोगे ना तो यहाँ पर ये डीप ब्लैक हो जाता है, और जैसे मैं इसको ऐसा लेके जाऊंगा तो वहां पर हल्का सा मुझे ना कलर शिफ्ट वाला इशू देखने मिलता है। तो यस, मल्टीमीडिया के हिसाब से और कंटेंट कंजम करने के हिसाब से डिस्प्ले में कोई खराबी नहीं है। बाकी इसके अंदर ना रेड मैजिक OS आता है, 8 आता है, और इसके अंदर कोई भी फालतू का वैसे ब्लोटवेयर नहीं है, और मैंने फोन इंपोर्ट करा है, इसके बाद में भी कोई कचरा इसके अंदर आता नहीं। एक आध दो एप्लीकेशन है जो आपके काम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, और उसको आप हटा भी नहीं सकते। और इसी के अंदर है ना हमको एंड्रॉइड 13 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, कितना अपडेट आएगा क्या आएगा उसका मत पूछना कुछ भी। और रही बात फोन की हैप्टिक्स वगैरह टाइपिंग जो एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम प्रीमियम साइड वाले निकल कर आती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, और LED जो इसके अंदर आती है ना वो भी लाइक अगर आप सिंक करोगे ना म्यूजिक मल्टीमीडिया के हिसाब से, तो वो भी वहां पर रिएक्ट करेगी अच्छी तरीके से। और रेड मैजिक का जो गेम स्टूडियो मिल जाता है वो एक अलग है। बाकी देखो गेमिंग फोन है तो कैमरा से इतनी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, मेन कैमरा 50 MP का है, डे लाइट में ठीक ठाक वाली फोटो निकाल देता है, आपका काम हो जाएगा उस हिसाब से। अंडर डिस्प्ले कैमरा वो वहां तक ही ठीक है, बट इतना यूजेबल नहीं है, फेस पे अलग ही पंचीनेस निकालता है, और फोटो प्रोसेस होने में भी अच्छी खासी टाइम लेता है, और जब आप फोटो खींचोगे ना तो प्रीव्यू भी आपको अच्छा देखने नहीं मिलता, और उस प्रोसेसिंग के बाद में जो आउटपुट है वो डिसेंट सही है, और कैमरा वीडियो भी जो क्वालिटी है वो भी डिसेंट सी आती है। और ये फ्रंट है, इसमें कोई वीडियो सैंपल भी नहीं दिया, देख रहे हो ना कितना ज्यादा, क्योंकि अंडर डिस्प्ले है ना तो वो थोड़ा सा इशू देखने मिलेगा ही, थोड़ा सा उतने पिक्सल्स प्रॉपर नहीं आएंगे। ये जो वीडियो है ना 4K 60 से शूट कर रहे हैं इसी फोन से, तो स्टेबलाइजेशन वगैरह देखो, सिंपल बात बोलूंगा कैमरा उतना ऐसा ऑन टू द मार्क नहीं है, ऊपर से हम लोग फोटो खींच रहे ना वहां पर भी कैमरा लैग मारता है, तो स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ इस तरीके का आएगा, मे बी समझेगा कि नहीं। तो ओवरऑल इतना कहूंगा कि कैमरा लाइक नॉर्मल साइड है, बस दिया है
फोन है उसके अंदर कैमरा होना चाहिए, बस वो ही है। तो भाई एट दी एंड इतना सिंपल है, ये जो गेमिंग फोन है ना, मतलब जो गेम वर्ड होता है ना उसको पूरा डिस्क्राइब करता है। आराम से आप इसके अंदर 90 FPS की गेमिंग आराम से खेल सकते हो। और इसका अगर डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना है ना FPS मीटर के साथ में, वीडियो यहाँ पर कहीं होगी, पॉप हो रही होगी, क्लिक करके पहुंच जाना, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।